असी बैठे हाँ हरी ओम राइस मिल के अंदर और मेरे नाल मौजूद ने इस वेले श्री रवि ढींडसा जी। ढींडसा साहब, जिदा कि मैं जानता कि तुसी अजकल कैनेडा दे सिटीजन बन चुके हो, पर तुहाडा जिहड़ा बचपन है वो इत्थे ही खन्ना च पंजाब च बीतिया। बिल्कुल, तो तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद भी है कि तुसी जाके बहुत अच्छे उत्थे सैट होए हो। तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहूँगा, डिफरेंस लग्या भी इंडिया और उत्थे कैनेडा का भी की फर्क है? फर्क तो जी मेन मेरे ख्याल दे नाल जे तुसी पॉलिटिक्स तो ही शुरू हो जाओ, जिहड़ी अपनी पॉलिटिक्स है इत्थे अपनी सेवा लई, अपने घर की सेवा लई, अपने रिश्तेदारां की सेवा लई, जां अपने आप नू दूसरे तो वड्डा कहाउण लई पॉलिटिक्स की जाती है। उत्थे पॉलिटिक्स का मतलब निरोल जिवें पुरानी हुंदी सीगी भी सेवा करनी है लोगों की, उस तरह की पॉलिटिक्स आ। बाकी है जिहड़ा देश प्यार है, जिदा असी हुण मोदी जी ने लहर चलाई है स्वच्छ भारत वाली, उत्थे बच्चों शुरू तो स्कूलों के सिखाया जाता है। तो हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी समझदा अपने देश प्रति, अपने फैलो सिटीजन प्रति, जिहड़ा कि हिंदुस्तान दे विच कोई किसी प्रति कोई जिम्मेवारी इत्थे है नहीं गी। सिर्फ ये आ भी मैं किदा अगे लंघा जा, मैं किदा अमीर बन जा, जा पॉलिटिक्स दे विच वड्डा हो जा, यही डिफरेंस ने जी मेन। भी देश प्यार हिंदुस्तान दे विच घटी जा रहा, बाहरले लोगों में जिम्मेवारी बहुत है देश प्रति, तो देश लई प्यार आ, तो अपने फैलो नागरिकां लई एक दूजे के मन दे विच रिस्पैक्ट आ, जो कि इत्थे मैनू खत्म हुंदी जांदी। ढींडसा जी, अपने पंजाबी भरा बड़े सालों तो उत्थे कई रह रहे ने, तो कहो जिहा मल्लां उन्होंने मारियां उत्थे जाके? मल्लां दा जी देखो हर खेत्र दे विच आ, जिहड़े इलाके दे विच मैं रहिंदा टोरंटो दे ब्रैम्पटन दे विच, साढ़े पंजे एम पी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट्स ने, तो पंजे एम पी पी जिन्हां नूं जिहड़े एम एल ए दे वांगू हुंदे ने मैंबर ऑफ प्रोविंशल पार्लीमेंट कहिंदे ने, उहनां नूं पंजे ओह ने जी पंजाबी। बिजनेस दे तौर ते तुसीं सूई तो लै के हैलीकॉप्टरां तक दे बिजनेस दे विच पंजाबी ने जी। सो हर एक ने तरक्की की है, जिदे विच मेन ट्रांसपोर्ट के अपना बंद ने बहुत नाम कमाया, तो बहुत वड्डे बिजनेस भी ने, फार्म बहुत लोगों के है। तो हर खेत्र के मैं कह सकता जी, पढ़ाई तो लैके तुसी किसी भी खेत्र के चले जाओ, हर खेत्र में पंजाबियों ने तरक्की की है। ढींडसा जी, मैं देखदा कि पंजाब के अंदर हरेक नूं क्रेज आ बाहर जाण दा, जिहड़े अज्ज दे नौजवान ने। बिल्कुल। अच्छा, उन्हां च कई मैं ऐसे देखदा भी वह 10 या 12 पढ़े होंदे आ, पर कई एजेंटा के हत्थे चढ़ते हैं, उन्होंने झूट तूफान दिखाया जाता है भी तुहानू जी उत्थे जाके पी आर करा देंगे, तुहानू वर्क परमिट ते लै जाएंगे, तो ये बारे तुसी की कहना चाहोगे? देखो जी, पहली तो गल है भी जिन्हें भी बाहर जाना वो प्रॉपर चैनल राही जाना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारित एजेंट ने उन्हां राही जाना चाहिए, अपने वालों पूरी पता करके जाना चाहिए। कोई विआह शादी भी है तो सीधे तरीके नाल जाना चाहिए, जिहड़ा अपने दिमाग दे विच है भी मैं इदा करके बॉडर क्रॉस कर जूँ जा उदा पहुँच जूँ, उन्होंने 90 पैसे लोग तो पहुँच ही नहीं पाते, जेडे 10 पैसे पहुँच भी जाते हैं वो बड़िया मुश्किलों के रहना पैंदा। सो मेरी तो यही बेनती है भी प्रॉपर चैनल राही जाओ, बच्चों पढ़न लिए जो भेजना वो भी प्रॉपर चैनल राही भेजो, बिल्कुल एजेंटा के धक्के नहीं चढ़ना चाहिए, बाद में थोड़ी खज्जल खुआरी होंगी, परिवार का पैसा खराब हों, तो थोड़ा कीमती समा बर्बाद हों जिंदगी का। इस करके जो भी काम करना प्रॉपर चैनल राही अपने वालों पूरी खोजबीन करके फिर ही करो। अच्छा, मैं अखीर ढींडसा जी चाहूँगा कि साढ़े दर्शकों को तुम दिवाली तो विश्वकर्मा डे दे की मैसेज देना चाहोगे? वो दो मेरे वालों तो यही मैसेज है जी, दिवाली थोड़े लिए बहुत खुशियां भरी होवे, तुसी अपने पुराने वैर विरोध छड़ के जिन्हां ना कोई गुस्सा गिला मन मुटाव भी है उन्हां दे नेड़े लगो, तो जिंदगी नू माणो। ये दिन हर साल आउंदा नेकी दी जिहड़ी जित है बदी दे उत्ते। सो मैं यही कहूँगा भी प्यार मुहब्बत ना रहो, तो सारिआं नू दिवाली दीआं खुशियां सांझियां करो सारिआं दे नाल मिलके। इस तरह विश्वकर्मा डे दी है, थोनू सारिआं नू बहुत बहुत वधाई, तो सेम दिवाली दे लई है, थोनू सारिआं नू बहुत बहुत वधाई।